press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Hello friends, मेरा नाम अयुब और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल जिसका नाम है अयुब एडिट। फ्रेंड्स, आज की वीडियो होने वाली बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग, क्योंकि हम आज कुछ इस तरह की फ़ोटो को कुछ इस तरह से एडिट करने वाले हैं। एंड फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं हमारी जो बिना एडिट की हुई फ़ोटो है वो ये है, एंड एडिट करने के बाद कुछ इस तरह से हो गई है। और फ्रेंड्स, इस फोटो को जो है मैं लाइटरूम एंड पिक्सआर्ट एप्लीकेशन की मदद से एडिट किया हूँ। अगर आप भी इस तरह की फोटो एडिटिंग सीखना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। एंड अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कराया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड बेल आइकन को भी दबा दें। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। तो फ्रेंड्स, पिक्सआर्ट एप्लीकेशन के अंदर अपने बैकग्राउंड को ओपन कर लिया हूँ। एंड उसके बाद हम जाएंगे यहाँ से ड्रॉ में, और ड्रॉ के अंदर जाने के बाद यहाँ से पहले हम एम्प्टी लेयर देख लेते हैं, हमारी एम्प्टी लेयर जो हमारे पास है। एंड उसके बाद यहाँ गैलरी में जाएंगे और यहाँ से अपनी फोटो को जो है हम इसमें ऐड कर लेंगे। एंड यहाँ से कर देंगे इसको डन। एंड उसके बाद फ्रेंड्स, यहाँ थ्री डॉट्स पर क्लिक करेंगे और इसे करेंगे हम यहाँ से ट्रांसफॉर्म। एंड इस फोटो को जो है हम इस बैकग्राउंड पर सेट करेंगे, तो इसको हम जो है थोड़ा नीचे रखेंगे इस जगह, इस एरिया में। बहुत बढ़िया फ्रेंड्स, यहाँ रखेंगे। एंड उसके बाद सिंपली कर देंगे इसको यहाँ से डन। एंड उसके बाद इसमें एक एम्प्टी लेयर क्रिएट करेंगे और यहाँ से हम जो है इसमें एक अपनी हेयर पैन जो है ऐड कर लेंगे। हेयर पैन जी का लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप इसको वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। एंड बैकग्राउंड का लिंक भी आपको वहाँ से मिल जाएगा। एंड यहाँ थ्री डॉट्स पर क्लिक करेंगे और इसको भी करेंगे हम ट्रांसफॉर्म। एंड इसको जो है हम अपने हेयर पर इस तरह से अच्छे से सेट करेंगे फ्रेंड। बहुत बड़े फ्रेंड्स, एंड यहाँ से इसको डन करेंगे। एंड यहाँ रेजर में जाएंगे और रेजर के साइज़ को हमें रखना है यहाँ से 30 के आसपास एंड ओपेसिटी को 96। एंड यहाँ से कर देंगे हम इसको सेट। एंड वापस जाएंगे और हल्का फोटो को इस तरह से जूम करेंगे और इसको हम जो है नीचे से इरेज करेंगे इस तरह से फ्रेंड्स। बहुत बड़ा फ्रेंड्स, एंड उसके बाद सिंपली कर देंगे हम यहाँ से इसको डन। एंड फ्रेंड्स, उसके बाद हम जो है इसमें एक PNGs ऐड करेंगे, तो उसके लिए हम यहाँ से ऐड फोटो में जाएंगे। और ऐड फोटो में जाने के बाद अब इसमें अपनी जो PNGs को हम जो है ऐड कर लेंगे, उसका भी लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उसको वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। एंड इसको हम जो है नीचे की ओर रखेंगे, पहले इसके साइज़ को हम थोड़ा बड़ा करेंगे। एंड इसको यहाँ नीचे की नीचे रखेंगे। एंड इसके ब्लेंड मोड को हम कर देंगे यहाँ से स्क्रीन। बहुत बढ़िया। एंड उसके बाद यहाँ रेजर पर क्लिक करेंगे और यहाँ से इसके हार्डनेस को हम बिल्कुल लो कर देंगे एंड साइज को इसके ऐसे रहने देंगे और यहाँ से इसको हल्का हल्का इस तरह से इरेज कर देंगे फिर। बहुत बढ़िया फ्रेंड, एंड उसके बाद सिंपली कर देंगे यहाँ से इसको डन। एंड फ्रेंड्स, अब हमारी फोटो में जो है पिक्सआर्ट एप्लीकेशन का काम जो है हमारा पूरा हो गया। एंड अब हम इसमें डालेंगे थोड़े कलर, तो कलर के लिए हम जो है लाइटरूम एप्लीकेशन का यूज़ करेंगे। एंड उससे पहले हम जो है इस फोटो को जो है यहाँ थ्री डॉट्स में जाने के बाद, ड्रॉ में जाने के बाद हम जो है फोटो को पहले सेव कर लेंगे। एंड फ्रेंड्स, अब जो है हम लाइटरूम एप्लीकेशन को ओपन कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम अपनी फोटो को जो है मैं लाइटरूम एप्लीकेशन के अंदर ओपन कर ले हूँ। एंड उसके बाद हम सबसे पहले जाएंगे यहाँ पर लाइट में, और लाइट में जाने के बाद फ्रेंड्स इसकी एक्सपोजर को हम हल्का प्लस करेंगे एंड कॉन्ट्रास्ट को हम इसके ऐसे रहने देंगे एंड हाईलाइट्स को इसकी -100 रखेंगे एंड शेडोज़ को इसकी हल्का प्लस करेंगे फ्रेंड्स। एंड वाइट्स और ब्लैक्स को हम जो है इसके देख लेते हैं। एंड वाइट्स को हम इसके ऐसे रहने देंगे और ब्लैक्स को इसके हल्का माइनस कर देंगे। बहुत बढ़िया फ्रेंड्स, एंड उसके बाद जाएंगे फ्रेंड्स हम यहाँ से कलर में, और कलर में जाने के बाद इसके टेम्परेचर, टिंट, वाइब्रेंस, सैचुरेशन सबको हमको ऐसे ही रहने देना। एंड सिंपली हम जाएंगे यहाँ से मिक्स के अंदर, और मिक्स में जाने के बाद रेड कलर की सैचुरेशन को हम हल्का प्लस करेंगे -40 का 35 के आसपास रख लेते हैं। बहुत बढ़िया। एंड उसके बाद ऑरेंज कलर में जाएंगे और ऑरेंज कलर की ल्यूमिनेंस को हम जो है प्लस करेंगे एंड सैचुरेशन को इसके हल्का माइनस कर देंगे। एंड उसके बाद जाएंगे हम यहाँ से एक्वा कलर में, और एक्वा कलर की यूज़ को हम जो है देख लेते हैं फ्रेंड।
हल्का प्लस कर लेते हैं एंड सैचुरेशन को जो हल्का प्लस करेंगे एंड ल्यूमिनेंस को भी इसके हल्का प्लस कर देते हैं। एंड उसके बाद जाते हैं यहाँ से ब्लू कलर पर और ब्लू कलर की यूज़ को हम जो माइनस करेंगे हल्का एंड सैचुरेशन को हल्का प्लस करेंगे और ल्यूमिनेंस को भी इसके हल्का प्लस करेंगे। बहुत बढ़िया। एंड उसके बाद जाएंगे पर्पल कलर पर और पर्पल कलर की यूज़ को हम जो है प्लस 100 करेंगे एंड ल्यूमिनेंस को इसके हल्का प्लस करेंगे फ्रेंड्स। एंड उसके बाद जाएंगे यहाँ से पिंक कलर पर और पिंक कलर की यूज़ को भी हम हल्का प्लस करेंगे एंड ल्यूमिनेंस को प्लस करेंगे और सैचुरेशन को हल्का माइनस कर देंगे। बहुत बढ़िया फ्रेंड्स। एंड उसके बाद सिंपली करेंगे यहाँ से इसको डन। एंड उसके बाद जाएंगे फ्रेंड्स हम यहाँ से क्लैरिटी में और क्लैरिटी में जाने के बाद इसकी क्लैरिटी को हम जो है हल्का प्लस करेंगे एंड बिजनेट को इसकी हल्का डाउन करेंगे इतना फ्रेंड्स। एंड फेदर को इसके ऐसे रहने देंगे, मिडिल पॉइंट को भी एंड राउंडनेस को हम इसके हल्का माइनस कर देंगे। बहुत बढ़िया फ्रेंड्स। एंड उसके बाद जाएंगे यहाँ से शार्पनिंग में और शार्पनिंग में जाने के बाद शार्पनिंग को हम जो प्लस करेंगे एंड मॉस्किंग को इसके प्लस 50 के आसपास रखेंगे एंड नोज रिडक्शन को हम इसकी जो है हल्का बढ़ाएंगे इतना फ्रेंड। एंड उसके बाद कलर नोज रिडक्शन को भी हम इसके हल्का प्लस करेंगे एंड स्मूथनेस को भी हम इसके हल्का प्लस कर देंगे। बहुत बढ़िया फ्रेंड्स। एंड अब आप देख सकते हैं फ्रेंड्स हमारी फोटो में जो है पहले कलर नहीं थे और अब एकदम से कलर आ गए हैं और फोटो भी बैकग्राउंड से अच्छे से मैच हो गई है। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगा। अगर पसंद आया तो इसको लाइक करना, कमेंट करना एंड शेयर करना एंड जाता है तो मेरे चैनल आयुब एडिट्स को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं न्यू वीडियो में बहुत जल्दी एंड यह 3 डॉट्स पर क्लिक करने के बाद अपनी फोटो को जो है आप सेव कर लीजिए।